एवरीबडी, दिस इज़ राहुल एंड वेलकम टू कलर गैन यूट्यूब चैनल। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब फाइंड आउट टेन पी माइनस कोट आर। ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें परपेंडिकुलर हमें 12 दिया हुआ है एंड हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर हमें निकालना है। तो पी हमारा बेस नहीं है, बेस हमारा आर है, क्यू आर। हमें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद हमें फाउंड आउट करना है टेन पी माइनस कोट आर। तो यहाँ पे एंगल है टेन पी, तो टेन पी ऊपर है, हमें इसको बेस पे बनाना है। तो बेस बनाएंगे तो डायग्राम चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे हमारा क्यू, यहाँ पे आर और ये पी, यानी कि इस पी को हम यहाँ पे ले आएंगे, ये हमारा बेस पे आ जाएगा। तो क्यू और पी था हमारा 12, आर और क्यू था हमारा 5 एंड पी और आर थे हमारे 13 सेंटीमीटर। तो टेन पी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कोट आर होता है साइन कोसाइन से कोट बी बेस अपॉन पी होता है हमारा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर हमारा टेन पी के अकॉर्डिंग, बेस के अकॉर्डिंग हमारा हो गया परपेंडिकुलर। हमें इस डाइग्राम में देखना है वो है 5 एंड बेस है 12 माइनस कोट आर। अब एंगल आर है, एंगल आर हमारा यहाँ पे है, ये बेस है हमारा। क्योंकि हमने ये डायग्राम इसलिए नहीं लिया इसमें क्योंकि कोट आर एंगल पूछा है वो हमने बेस में लेना है। सो इसका बेस है हमारा 5 एंड परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे 12। तो प्लस माइनस कट गया, आंसर आ गया हमारा 0। ओके okay?